嘅手指抽呀，तेरे जाने के बाद किस्मत ही रूठ गई रे कृष्णा, सब कुछ छीन गया, यहां तक कि तेरी बड़ी मालकिन भी मुझे छोड़कर चली गई। हाँ हाँ, पता लगा साहब जी। तुझे कितने अरसे के बाद देख रहा हूं रे तुझे। चलिए साहब जी। हे कृष्णा, चल। स्वर्ग आपके बिना वीरान पड़ा है साहब जी। इन्हें मैं यहां लाया हूं साहब जी। तुम लाए हो साहब जी? इनको इनके किए की जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिल चुकी है। अब ये लोग दुखी हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं। इन्हें माफ कर दीजिए साहब जी। माफ कर दूं? माफ कर दूं इन्हें? इन्हें माफ कर दूं? अरे ये तो मेरी पत्नी के कातिल, और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें माफ कर दूं? हाँ, ऐसा मत कहिए बड़े भैया, गलती तो छोटों से हो ही जाती है, मगर क्या बड़ों का ये फर्ज नहीं कि वो उस गलती को भूल जाए? अरे पगली, तेरे चेहरे पर मारा हुआ चाटा तू भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। जो जख्म इन लोगों ने मुझे दिया है वो इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी नहीं भूल सकता। नहीं, कठोर मत बनिए बड़े भैया। इनके इस बुरे वक्त में अगर आपने भी इनका साथ नहीं दिया तो फिर और कौन देगा? राज, अगर आज मैंने इन्हें माफ कर दिया तो वो बड़े भाई जो बाप की तरह छोटे भाइयों को पालते हैं वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बात सीधी सी है रे ज्योति, अगर आज इन्होंने अपना बुरा वक्त सुधारने के लिए अपनी आंखों में आंसू भी भर लिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल जब वक्त बदलेगा इनके रंग नहीं बदलेंगे? इस बात की गारंटी है? इस बात की गारंटी नहीं है। कृष्णा, इन लोगों को मेरी नजरों से दूर कर दो, मुझे घुटन हो रही है।